हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके स्टूडियो जैम पे। इसका नाम है अंकित सिंह यार। तो जे एमएसटी सीटी 2023 के स्टूडेंट, आप सभी को बता दूं यार कि जैसे कि आप लोग की एप्लीकेशन फॉर्म जो है यार जल्दी ही रिलीज होने वाली है। जब भी रिलीज होगी सारी अपडेट आपको अंकित सिंह चैनल पे मिल जाएगी, तो आप लोगों को वो सब तो पता ही है। ठीक है, बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होगा सर। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर देखो, नीचे आपको सब दिख रहा होगा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, वही सब है। तो सबसे पहले हमारा आता है क्लास 10th और 12th का मार्कशीट। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं तो 12th क्लास में अपियर कर रहा हूँ तो मार्कशीट कहाँ से लाऊंगा। तो कोई नहीं, अगर अपियर कर रहे हो तो आपको ऑप्शन होगा कि 12th अपियरिंग, ठीक है। तो 10th की मार्कशीट तो होगी ना, अब ये मत बोल देना कि 10th की भी नहीं है, ठीक है। फिर आता है डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ में आप क्या दे सकते हो? बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई नहीं, ठीक है। ये हो गया। और नेक्स्ट आता है हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगता है अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट हो, ठीक है, महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए, महाराष्ट्र कैंडिडेट, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप किसी कास्ट में लाई करते हो, जैसे जनरल को छोड़ के किसी भी कास्ट, जैसे एससी एसटी एनटी वगैरह कोई भी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा लास्ट आ जाता है एड्रेस प्रूफ। तो यहाँ पर आप क्या दे सकते हो? आप आधार कार्ड दे सकते हो, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड। तो ये सब चीज आप दे सकते हो। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। वीडियो एंड करते हैं, थैंक यू।